मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। चलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं शशांक कुमार सर, जो रहने वाले प्रयागराज के हैं और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय कोच्चि में कार्यरत है, नेवल वेस कोच्चि में। इसके पहले सर जवाहर नवोदय विद्यालय में कीफ्री नागालैंड में थे, फिर आइजोल में थे और वर्तमान में वो कोच्चि में हैं। और इसके बाद सर ने अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम पास किया है, इंटरव्यू फेस किया है और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अभी वो प्रिंसिपल बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक पूरी जर्नी है प्रयागराज से प्रयागराज तक, कितनी अद्भुत बात है ये। एक दो पंक्तियों के साथ मैं सर का इंटरव्यू शुरू करना चाहूँगा कि जो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा हर वेदना में कोई सम्मान होता है, जो चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति नागालैंड जाता है, फिर आइजोल में नौकरी करता है, फिर कोच्चि में नौकरी किया और आज आने वाले एक साल के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद जी। और अभी आप वर्तमान में TGTSST हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी जर्नी को अपने संक्षेप में बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ नवोदय का, KVS का, और उनमें क्या प्रश्न पूछे गए थे। जी, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का मूल निवासी हूँ और अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने UP बोर्ड से ही पास किया है, जौनपुर से ही जी। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया और वहीं पे मैं PhD में भी इनरोल्ड रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। और 2015 में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इंटरव्यू दिया था और मेरा TGT सोशल साइंस के पद पर चयन हुआ। और मेरी जो पहली पोस्टिंग मुझे मिली वो नागालैंड में मिली, किफ्री डिस्ट्रिक्ट जो कि एकदम म्यांमार से सटा हुआ था। और मैं आपके व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि विवेक जी उस समय हमारे बैच में थे और हम लोगों ने साथ में ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था और रास्ते में इनका पड़ता था बिल्कुल बीच में, और उसके बाद 7 आवर्स की जर्नी के बाद मैं अपने स्कूल पहुंचता था। तो अगर इंटरव्यू की बात करें TGT के लिए, तो सबसे पहला जो मुझसे प्रश्न पूछा गया वो जो एक नॉर्मल इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताइए। किसका, नवोदय में या केवी में? पहले नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा, 2015। हाँ, और मेरा यह इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था, स्कूटर इंडिया चौराहे के पास जो नवोदय विद्यालय है वहां पे। अच्छा, तो जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया, मुझे लगता है लगभग 2 बजे मेरा इंटरव्यू का टाइम आया था, मॉर्निंग से तैयार होके मैं बैठा था, वेट कर रहा था। तो जो सबसे पहला एक सामान्य प्रश्न होता है कि आप अपने बारे में बताइए, मैंने अपना परिचय दिया और उस परिचय के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, जो मैं बताना उसमें भूल गया था। तो मैंने कहा सर मुझे गाने सुनने पसंद है और मैं थोड़ा गाना भी पसंद करता हूँ। अच्छा, तो पहला जो उनका ये था, अरे एक अजीब सा बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल और हंसते हुए जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि शशांक जी हम सुबह से इंटरव्यू लेते लेते बोर हो गए हैं, एक आप अच्छा सा पहले गाना सुना दीजिए। क्या बात है। तो मैंने किशोर कुमार का एक गाना सुनाया था उनको, या मुकेश कुमार जी का, सॉरी मुकेश कुमार जी। तो उस गाने से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और मैं गाना अपने मन से खत्म किया, मुझे बीच में रोका नहीं गया। क्या बात है।
गाना खत्म हुआ तो एक अजीब सा सुकून मुझे भी मिला और मैं काफी कंफर्टेबल हुआ, नहीं तो पहला इंटरव्यू मैं दे रहा था अपने लाइफ में कहीं अरे वाह। भी। उसके बाद फिर तो सर एक मिनट, मैं चाहूंगा कि लखनऊ की यादों को ताजा किया जाए। मेरा भी इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था। जी जो गाने से हमने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो तो दो दो पंक्तियां केवल गुनगुना दीजिए, हमारे इंटरव्यू की भी शुरुआत गाने से हो जाए। जी तो गाने मुकेश कुमार जी का बहुत फेमस है, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। चलो बस अब भूल रहा हूं, तो अच्छा कोई बात नहीं है, यही तो गाना। बहुत बढ़िया रहा। और मुझे अभी याद आ गया कि मुझसे भी पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, तो जी मैंने कहा कि कविताएं लिखना पढ़ना, तो मुझ और गीत गुनगुनाना गाना, तो मुझसे भी गाने के लिए कहा गया था और कविताएं के लिए, तो बड़ा अच्छा रहा था वो आइस ब्रेकिंग सेशन जो उनका रहता है कि बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल किया जाए। तो मेरे जो बिल्कुल दर्शक जो देख रहे हैं, वो अगर अपनी हॉबी को कुछ अगर है तो वो थोड़ी मजबूती से रखेंगे, ताकि अगर आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप हिचकिचाए नहीं। फिर सर उसके बाद क्या हुआ? तो इस गाने के बाद फिर अगला प्रश्न आया कि आपका एमए में कौन सा सब्जेक्ट था, तो मैंने कहा सर ज्योग्राफी था। वो ज्योग्राफी के बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जो एक छोटे बच्चों को स्पेशली क्लास सिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और उसके बाद इनका यूज हमारे एक सामान्य जीवन में, एक विषय से अगर इतर हम हटें तो आखिर इसका उपयोग क्या है, तो वो मुझसे पूछा गया, मैंने बताया। फिर उसके बाद अगले जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक मुझे कोई टॉपिक सेलेक्ट करके आप बोर्ड पे जाइए और पढ़ाइए। ठीक है। तो वो मैंने उस समय, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ टॉपिक पढ़ाया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ऐसा लैंग्वेज का मुझे नहीं लगता कि नवोदय में उस समय मुझे कोई लैंग्वेज के लिए फोर्स किया गया कि आप इंग्लिश में, मुझे याद, मैं बिल्कुल नॉर्मल हिंदी में ही सब कुछ किया, टर्मोलॉजी में इंग्लिश में यूज किया, डायरेक्ट अगर हिंदी लिखे शायद वो ऑर्डर रहता, तो हिंदी के साथ मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी वहां पे लिखा हुआ था, पर मेरा इंटरव्यू नवोदय में तो बिल्कुल हिंदी में ही हुआ। तो उस अच्छा टॉपिक को पढ़ाने के दौरान बीच बीच में उन्होंने एक दो क्वेश्चन उससे पूछे, और उसके बाद फिर कुछ एकेडमिक्स में, जैसे बच्चों को हम जो सिलेबस पढ़ाते हैं, हाँ। सिलेबस के साथ जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज रखी जाती है हाँ उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अच्छा ये मुझसे पूछा गया था। अच्छा हाँ, तो बहुत मैंने बढ़िया। उस, और उसके बाद फिर ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त हो गया। क्या बात है, मतलब बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू रहा, मतलब उन्हें लग गया कि इस व्यक्ति से सोशल साइंस भी पढ़वा सकते हैं और सीसीए का भी इंचार्ज इसको दे सकते हैं कि गाना वाना गाता है। हाँ, और एक चीज और विवेक जी मैं बताना चाहूँ, तो जब मैं जी ये गाना खत्म किया तो जो चेयरमैन थे वो, हाँ उन्होंने कहा कि आप इसके लिए बिल्कुल सुटेबल हैं क्योंकि नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है, और हाँ आप जैसे बच्चे शाम को, जब मान लीजिए हाउस मास्टर हैं, तो आप उनके साथ जब समय बिताएंगे तो बच्चों को अच्छा लगे, हाँ हाँ तो ये उनका एक, मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। तो मतलब आपकी जो नर्वसनेस थी उसके बाद ही आपकी चली गई थी कि अब तो होना ही है। आप बिल्कुल फिर आपने मुझे याद है कि आपकी फ्री थे दिमापुर, हम लोग उतरते थे नागालैंड, और वहां से हम लोग सुबह की जो विंगर थी, जो सुबह का गाड़ी था, पकड़ते थे, और आप मुझसे 4-5 घंटे और आगे जाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर आप उसके बाद आइजोल कब गए? डेपुटेशन पे भेजा गया आपको? हाँ, वो मेरा स्कूल जो है टेम्पररी साइट था, तो बाद में वो बंद हो गया 1 साल के बाद,
हाँ और उसके बाद फिर हमें आइजोल शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे मतलब वो नया स्कूल ओपन हुआ तो मुझे वहां पे रखा गया। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, इस दौरान हमारी बातचीत होती रहती थी, बिल्कुल खासकर बिल्कुल नेटवर्क ना हो। और उस समय आप तो बहुत युवा थे, मुझे लगता है केवल 21 साल या 22 साल एज रही होगी आपकी, मेरी 23 साल उसमें एज थी, 23 साढ़े 23 साल। 27 साल एज थी। हाँ और हम लोगों के सपने काफी थे भाई, ये करना था, लेकिन बीच में ये मिला तो छोड़ भी नहीं सकते। तो हाँ उसके बाद ही मुझे लगता है 1 साल के बाद ही आपका इंटरव्यू हुआ था, जस्ट 1 साल के बाद ना, केवी वाला। हाँ 1 साल बाद में, 15 में नवोदय था, फिर 16 में मैंने केवी ज्वाइन कर लिया था। तो सबसे मैं अगर कहूं कि उस दौरान जो सबसे पहले नवोदय छोड़ के आप गए, हाँ हम लोग का जो बैच था 21 लोगों का, उसमें सबसे पहले मैं ही आया था। सिलेक्शन आपका था, तो वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन ही था कि जब छोटा भाई जा सकता है तो हम भी अच्छा प्रयास करके जा सकते हैं। चलिए, अब आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। फिर आप केवीएस कब ज्वाइन किए आप? केवीएस मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, 19 और उसका जो अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो ये इंटरव्यू मेरा जयपुर में हुआ था। अच्छा और ये इंटरव्यू मैं कह सकता हूं कि नवोदय से ज्यादा वास्ट था, और अच्छा काफी टाइम, मुझे लगता है अराउंड 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। अच्छा और ये मैं अपने आपके व्यूवर्स को ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश को बहुत ही प्रेफरेंस देता है। अच्छा अगर आप इंटरव्यू, आपका भी ये अनुभव रहा होगा, और मैं तो बिल्कुल, मुझे याद है कि इसके पहले एक बार जब मैंने दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस बार इंटरव्यू मुझे केवल 45 मार्क्स मिले थे अच्छा देते हुए ही हाँ पीजीटी के, तो हाँ मेरा सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ क्योंकि उस बार मैंने हिंदी मीडियम में दिया। लेकिन 2019 का इंटरव्यू मैंने बिल्कुल इंग्लिश में दिया, एक शब्द भी मैंने हिंदी यूज नहीं किया था, और 3 साल लगभग पढ़ाते तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड हो चुकी थी। नागालैंड में तो इंग्लिश कहीं पढ़ाना था, इंग्लिश में ही पढ़ाना था। 58 मार्क्स मिले थे केवीएस के इंटरव्यू, सिक्सटी केवीएस फिफ्टी में 58, एट एट मार्क्स ये तो बड़े गौरव की बात है, ये तो तो। बहुत ही गौरव की बात है। और मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो मुझे लगता है सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था। उस बार मैंने हिंदी मीडियम में सारे जवाब दिए, इवन मेरे जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे बोला कि आप सीबीएसई स्कूल पढ़ाने आएंगे, आप तो हिंदी ही बोलते हैं तो कैसे होगा। मैंने हाँ कहा कि सर हम अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक फ्लुएंसी हमें चाहिए एक नॉर्मल बातचीत के लिए, शायद मैं उसमें अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाऊं, इसलिए मैं हिंदी में बोलना ज्यादा प्रीफर करूँ। तो बस इतना अंतर था, इस बार मैंने इंग्लिश बोला मुझे 58 मिले, उस बार मैंने हिंदी में दिया मुझे 45, तो एक थोड़ा सा तो जरूर यहाँ पे है। तो दोस्तों, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो घबराइए मत, लेकिन अंग्रेजी को मजबूत करिए, क्योंकि वो आपका मजबूत पक्ष हो सकता है। देख बिल्कुल रहे हैं कि अभी मैंने विगत में जितने इंटरव्यू लिए उनमें सबने ये कहा कि जो जैसे हिंदी के हैं तो उनके लिए ठीक है आप हिंदी रखिए, लेकिन अगर आप SST के हैं, साइंस के हैं, तो आपको बाइलिंगुअल होना ही पड़ेगा, आप कंपलसरी है। देखिए सर को एकदम पूरे इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में भेज दिया, नागालैंड, मिजोरम, कोची, अब जहां पे केरला में है आप इंग्लिश में ही पढ़ाते होंगे, जाहिर सी बात बिल्कुल, है। यहाँ चांस ही नहीं आप हिंदी बोलिए। तो इंटरव्यू में क्या प्रश्न थे आपके साथ? वहां पे जो मेरा पहला क्वेश्चन ये आया कि आप तो अभी नवोदय विद्यालय में 3 साल, 4 इयर्स, हाँ 4 साल मुझे हो गए, 4 साल पढ़ा के आप क्यों आना चाहते हैं। एक तो सेम लेवल की नौकरी है, 46 रेट पे, वहां भी 100 का, यहाँ भी 46 100 का। मैंने उनको बताया कि ये मेरा फैमिली रीजन है सर, कि वो रूरल एरिया का स्कूल है और मेरी मुझे जरूरत है कि मैं ऐसे जगह रहूं जहाँ पे अपनी फैमिली को भी साथ रख सकूं, तो एक मैंने ये बताया। तो फिर उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस दोनों क्या? में डिफरेंस क्या है, ये मैंने उनको बताया। क्योंकि दो कि नवोदय विद्यालय में थे तो उसको सब कुछ पता था, और केंद्रीय विद्यालय पढ़ के गए थे इसलिए पता था। फिर उसके बाद उनका जो अगला प्रश्न था वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस स्कूल को बेहतर पाते हैं,
ये थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक ट्रिकी, क्वेश्चन, हाँ ट्रिकी आप क्वेश्चन है। हाँ किसी को खराब तो कह नहीं सकते, कह नहीं मुझे सकते हैं। लगता है इंटरव्यू में कभी किसी को क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। अच्छा आप इसके दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए। तो मैंने भी उनसे कहा, सर मुझसे नहीं लगता कि दोनों में कहीं मतलब किसी के बारे में कहूं कि ये अच्छा नहीं है। अगर ये सिटी एरियाज के बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो नवोदय विद्यालय रूरल एरियाज के टैलेंटेड बच्चों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आप सोच सकते हैं नॉर्मल पेरेंट्स उसको नहीं अफोर्ड कर नहीं कर सकते। पाए। बिल्कुल, तो वो काफी इस आंसर से खुश थे। तो उन्होंने कहा, मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि नवोदय विद्यालय पुअर बच्चों का, गरीबों के लिए स्कूल है। हमने कहा, नहीं सर ऐसा तो नहीं, ये वर्ड है ही नहीं कि वो गरीबों का स्कूल। हाँ अगर आप उसको गाइडलाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रेन, ये उनके लिए। सही बात है। तो ये में उनका अगला प्रश्न था। फिर उसके बाद उन्होंने टीचिंग के लिए मुझे बोला था, तो मैंने क्लास 8th का एक रिसोर्सेज चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो हाँ चैप्टर पढ़ाया था। हाँ और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जब टॉपिक सेलेक्ट करिए टीचिंग के लिए, तो आप जिस लेवल के एग्जाम पे हैं, जैसे सपोज अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो आप क्लास 10th तक के लिए ही टॉपिक को सेलेक्ट करिए। बेसिकली एनसीईआरटी अगर एक बार देखें तो अच्छा होगा, आप उनको बता सकते हैं कि किस क्लास में ये टॉपिक था। कभी कभी वो पूछते हैं, ये मेरे साथ हुआ था, कि अच्छा ये किस स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में है। हाँ तो मैंने उनको बताया था, तो मुझे लगता है कि ये अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको ये पता होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के किसी टॉपिक को सिलेक्ट करिए। और अगर आप पीजीटी के लिए हैं, तो आप जो 6 to 10 एनसीईआरटी है उसका टॉपिक सिलेक्ट। फिर ठीक है। उसके बाद का कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से ही रिलेटेड था, जो मैंने पढ़ाया था उनको, उनको मतलब दिखाया था। हाँ हाँ और डेमोन्स्ट्रेशन किया फिर था। उसके बाद जो हाँ, तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैंने बिल्कुल इंग्लिश में ही किया था, और जो बेसिक टर्म्स थे वो मैंने बोर्ड पे लिखे थे। ये करना चाहिए। अगर आप मैप में कंफर्टेबल हैं, मुझे लगता है मैंने मैप बनाया था क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस मेरी मैप पे अच्छी है, तो मैंने मैप विद इन सेकेंड में इंडिया का मैप बनाया, और एक आयन टॉपिक लेके मैंने उसको लोकेट भी किया कि ये झारखंड यहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू कर्नाटका। तो एक ये बड़ा ही मतलब उनके लिए वो था, और इसलिए उन्होंने बोला भी कि आप मैप काफी अच्छा और काफी तेजी से ड्रॉ कर किया, ये एक अच्छी आपके अंदर स्किल। तो ये क्वेश्चंस थे केवीएस, और काफी पॉजिटिव था, कहीं भी कोई निगेटिव रिमार्क नहीं, और अच्छे से मैं आया 15 मिनट के बाद, और इतने ही क्वेश्चंस हुए सेटिस्फेक्शन थे आपसे, था। सब्जेक्ट ओरिएंटेड बस इतने ही हाँ क्वेश्चंस बस थे। इतने ही क्वेश्चन। तो इस बार सर जो हाँ डेमो सब्जेक्ट ओरिएंटेड इतना ही था। इस बार जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अलग से उसको देखा जाएगा कि डेमो कैसा देता है। इस पर टीचिंग स्किल पर ज्यादा जोर है कि टीचिंग कैसा कर पाता है। तो डेमो के लिए आप कुछ बिल्कुल, मूलभूत पॉइंट्स में बता दीजिए कि क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कहा कि मैप्स ध्यान में रखिए और 9th और 10th का, 8th 6th से लेकर 10th तक एनसीईआरटी का कोई चैप्टर हो और कुछ। और सबसे बड़ी बात कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, हाँ आप मान के चलिए कि आप उस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक आई कांटेक्ट अपने जो बोर्ड मेंबर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। और अच्छा आप अगर मान लीजिए, कई बार हम अपनी मास्टरी वहां दिखाते हैं, तो आपको ऐसा मतलब जो शब्दों का चुनाव होना चाहिए या सेंटेंस फॉर्मेशन, वो बहुत बेसिक होना चाहिए, जो हाँ एक सामान्य बच्चा आसानी से समझ सके। इवन अगर आप वो कुछ उसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा सकते हो, तो अच्छा होगा कि उसको भी डालिए। आप कुछ एक्ट वहां कर सकते हो इमीडिएट, तो वो आप कर सकते मतलब आपका हैं। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत ही सहज और सरल होना चाहिए कि ताकि वो समझ सके। हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रट के आए और ऐसे आसमान देखते हुए बोलते चले गए। आप ये आराम से, जैसे एक क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य आपको वैसे ही टीचिंग करना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं बोलनी है और बहुत ज्यादा क्लिष्ट अंग्रेजी नहीं बोलनी है। नहीं बोलनी है, बिल्कुल बिल्कुल। थरूरियन इंग्लिश नहीं बोलनी है क्योंकि आप केरला में, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ नहीं, आपको बिल्कुल सामान्य, जो एक मतलब आप सोचिए क्लास का जो सबसे वीक स्टूडेंट हो, वो भी आपके बात को पूरा नहीं, तो कम से कम उसको कुछ तो समझ में आना चाहिए उस टॉपिक के बारे सही बात। में। हाँ
तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये सब बातें आपने बताई, और नवोदय और केवीएस में आप रहे, कोच्चि का कैसा अनुभव है आपका, नॉर्थ ईस्ट का कैसा अनुभव रहा? मुझे लगता है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारत सरकार में नौकरी करते हुए एक ऐसा, मतलब आप कहिए, क्षेत्र को देखा गया जहां पे सामान्यतः लोगों के अंदर काफी भ्रांतियां रहती हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे उस भ्रांति को दूर करिए, क्या में। वो हाँ, सच भ्रांति सही है या नहीं? वैसे आपने अपने वीडियो के माध्यम से उस भ्रांति को काफी हद तक दूर किया और कोशिश बहुत कर अच्छा, रहा हूं। प्रशंसनीय रहता है आपका जो भी वीडियोस आप डालते हैं। और भाई, आपके वो चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया हूँ और समय समय पे देखता भी रहता हूँ, और खास करके आपके बोलने का जो लहजा है, जो सलीका है, वो सीखने वाली बात है, सभी को सीखना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला सुनने को मजबूर हो, तो आप उस तभी संभव है अब जब आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हमने 21 दिन की ट्रेनिंग की थी चंडीगढ़ में, एनएलआई में, यस। तो हम लोग ही जो थे वो स्टेज वगैरह संभालना और गाना गाना और कुछ भी टॉपिक प्रेजेंट करना होता था हमारा, शशांक भैया का। तो हाँ, आपका अलग, मेरा अलग, आप उसको लीड करते थे, और हम लोगों के लिए सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन विक्रम जोशी सर रहे। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम यही कहना चाहेंगे, हमें जो भी अच्छा कुछ भी मिलता हो सीखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पर थोड़ा आप बोलिए कि आप नागालैंड में रहे, और आपको याद होगा जब हमने ज्वाइन किया था 2015 में, तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय, बिल्कुल तो कैसा माहौल था, कैसे आप निकले वहां से, कैसे रहे, आइजोल में भी रहे आप? बिल्कुल, जाने की बात करूं तो बड़ा डर था कि नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, और जब रात में दीमापुर लगभग मैं 12 बजे रात उतरा और मैं सोचा बाहर निकल के प्लेटफॉर्म स्टेशन के बाहर थोड़ा देखूं, तो हाँ वहां पे जो पुलिस थी उसने मुझसे कहा कि आप अभी मत निकलिए, हाँ आप जब सुबह हो तब निकलिए। तो पहला तो मेरे अंदर आया कि अरे ऐसा क्यों, लेकिन जब मैं सुबह वहां गया, लैंग्वेज बिल्कुल अलग, किसी तरह थोड़ा कम्युनिकेट करके मैंने वो सुमो से, मुझे जाना था मॉर्निंग से, बात करके फिर मिला, गए तो रास्ते पर इतनी, मैं लगभग 7 बजे अपने स्कूल पहुंचा, और वहां मतलब जाने के बाद वो जो छोटे छोटे बंबू और इससे बने हुए घरों को देखा, पहाड़ी ढाल, ये सब तो काफी, शुरू में तो डर लगता था ये कहाँ पे है, कई बार मन करता था छोड़ के चले जाए, लेकिन रहते रहते मैंने देखा कि जो मतलब लोग होते हैं वो, आप उनसे मिलेंगे तब आप उनको समझ पाते हैं कि वो है कैसे। सही तो बात। कभी मुझे 1 साल नागालैंड रहा नहीं लगा कि मैं मतलब किसी ऐसे जगह पे हूं जहां पे मुझे कोई दिक्कत हो, हेल्प भी बहुत मिलता था बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, और जब भी उनका कोई फेस्टिवल हम लोग वहां जाते भी थे, आप तो खुद कई बार गए हैं। सही बात है। तो उसके बाद फिर मैं आइजोल आया, नॉर्थ ईस्ट 1 साल रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग, हमें कभी कोई दिक्कत हुई, फिर आइजोल मिला, एकदम गाते हुए चले गए, वहां पे 3 साल रहे हम आइजोल में, आज भी बच्चे हैं जो कांटेक्ट में है, पेरेंट्स का मैसेज आता है। तो दोस्तों, वो जो मेरा मकसद केवल आप तक उन संदेशों को पहुंचाना नहीं है कि आप केवीएस के इंटरव्यू में कैसे फेस करें, मेरा मकसद ये भी है कि इंटरव्यू पास करने के बाद आपको जब नौकरी मिले, जहां कहीं भी आप जाएं, तो वहां के हो जाएं। एक अंग्रेजी में कहावत है, बी ए रोमन इन रोम, जहां कहीं भी जाएं वहां के हो जाएं, फिर आप देखिए कि आप उनके हैं और आप आपके वो हैं, तब आपको जिंदगी जीने का, नौकरी करने का मजा आने लगेगा। तो शशांक भैया हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं और एक भ्रातृवत स्नेह रहा है, अभी इनको आप बधाई दे सकते हैं कि उन्होंने एक और कदम सफलता पाई है अपने लगातार मेहनत से, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021, उसमें इन्होंने प्रिंसिपल का पद अचीव किया है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद थोड़े भैया। बहुत प्रश्न आप उसके बता दीजिए कि वहां के इंटरव्यू में कैसे प्रश्न हुए, और तमाम इंटरव्यू में जनरली पूछा क्या जाता है, देखा क्या जाता है। अगर लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू की बात करूं तो वहां जो पहला में मुझसे जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका जो पहला प्रश्न मुझसे था कि आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता, एक कोड होता है जिसके थ्रू वो इंटरव्यू करते हैं, तो उनको ये बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो हाँ उन्होंने बताया कि जी सर, मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ और इससे पूर्व मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 साल काम किया।
फिर उनका जो, मुझे लगता है ये सहज करने का एक तरीका होता है कि वो हमेशा बातचीत वहां से शुरू करते हैं, किसी भी इंटरव्यू जहां हाँ पे आप चीजों को बिल्कुल अब जानते होते हैं। फिर उन्होंने हाँ मुझसे पूछा कि आप अच्छे क्या ग्रेड पे है, हाँ और उसके बाद उसका स्केल क्या है। हाँ फिर अच्छा नवोदय दूसरे मेंबर, फिर उन्होंने बोर्ड में जो थे उन्होंने मुझे दूसरे मेंबर के लिए बोला कि आप कुछ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप तो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय दोनों में काम किए हैं। सेम वही क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था इससे पहले केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय, एकदम सेम क्वेश्चन वही आया कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में आप मुझे सिमिलरिटी बताइए और डिफरेंस बताइए। तो सब याद था, 1 2 3 करके बता दिया। आपने सेम वही आंसर दिया जो वहां दिया मुझे भी अच्छा लगता, यहाँ तो सोचना भी नहीं है, मैं था। हाँ उसको बताया। फिर हाँ उन्होंने कहा कि आप एक शिक्षक हैं हाँ और शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि आपने नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति दोनों को पढ़ा हो। हाँ तो मैंने कहा बिल्कुल सर। तो उनका कहना था कि नए और पुराने में डिफरेंस क्या है, ज्यादा मत बताइए, बेसिक जो मतलब आप कह सकते हैं ड्रेस्टिक एक चेंज आने वाला है। हाँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा नीति आई है इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें कुछ होना चाहिए था। तो हमने कहा सर कि जो ये बनाया गया है काफी रिसर्च के बाद और काफी बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बनाया गया है, तो मेरा तो, मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, और मैं हाँ जहां इसको पढ़ा और समझा हूं मुझे लगता है कि आज के जो पीढ़ी है उसके हाँ आकांक्षाओं के अनुरूप है, हाँ और बिल्कुल ये एक प्रभावशाली व्यवस्था बनेगी भारत के लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने, वैसे इसका इंटरव्यू लोक सेवा आयोग का काफी लंबा रहता है, फिर ये 4 मेंबर थे, फिर तीसरे मेंबर को मुझे भेजा गया, और उनका जो भैया इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, क्योंकि ये अलग विद्यार्थी देखते हैं, इनका जोनरा अलग है। तो मैं बस जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने तीनों इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू को क्या समझा, इंटरव्यू में लोग क्या चाहते हैं आपसे और मुझे मेन लगता है क्या लेकर कि जाएं। हाँ, इंटरव्यू में सबसे पहली चीज तो आप सेल्फ अवेयर, अपने बारे में जाने, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसको जानिए, आपकी जो एकेडमिक से अचीवमेंट है अगर कुछ आपका ऐसा है जो आप बता सकते हो, जो लगता हो कि कुछ यूनिक, आप उसको बताएं। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि नवोदय में मुझसे ये भी पूछ लिया कि आपका स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में किस में था, तो मैंने बताया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उन्होंने कहा आपने डिसर्टेशन बनाया होगा उसका टॉपिक बता दीजिए। डिजर्टेशन का टॉपिक मुझसे भी पूछा गया था। और हाँ मैं सही बताऊं उस समय मैं रिकॉल नहीं कर, अच्छा मैं रिकॉल, मैंने कहा सॉरी सर मैं इस समय रिकॉल। तो मुझे ये मतलब कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अवेयर रहिए, आपका जो हाँ भी है अचीवमेंट उसको देखिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कितने पेपर हैं आपका, किसमें स्पेशलाइजेशन है आपका, फेवरेट क्या सब्जेक्ट रहा, क्या चीज है वो। दूसरा आपका आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस, मतलब आप जो क्वेश्चन, जो भी, जैसे 3 4 मेंबर का बोर्ड है तो जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसकी तरफ देखिए और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, अगर आंसर है तो आप दीजिए, नहीं है तो ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, आप उनको सॉरी बोलिए, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। आपके सॉरी बोलने से मुझे इतने इंटरव्यू के बाद यही लगा कि कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि अगर आप गलत बोल के वहां पे एक ब्लंडर कर वो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। डेमो में क्या ख्याल रखें, ब्लैक बोर्ड वगैरह का क्या, आप चूंकि आपको अनुभव लंबा हो गया। तो ब्लैक बोर्ड तो एक सबसे अच्छी बड़ी चीज है कि आपका जो राइटिंग हो वो पढ़ने लायक साफ, बहुत छोटा मत लिखिए, बहुत बड़ा मत लिखिए, हाँ। जो आसानी से दिखे। और एक जो वो कर्व बनाते हैं लोग, लिखता लिखना यहां शुरू करते हैं और जाता हाँ है टेढ़ा पूरा चला जाता है, उसका ध्यान रखें कि हाँ सीधे सीधे लिखे, कोशिश करें कि सीधा सीधा। सही बात कही। और जो भी तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू के लिए आज तक, अगर उन्होंने प्रैक्टिस ना किया हो तो एक छोटा बोर्ड खरीद लें और हाँ प्रैक्टिस, क्योंकि इसका बिल्कुल वाकई में जो आपने कहा ना शुरू करेंगे वहां एक कॉर्नर से और वो डायगनल की तरफ जाएगा, तो हाँ ये सही नहीं है। आपकी राइटिंग साफ हो, पढ़ने लायक हो, सुंदर की बात मैं नहीं कर रहा, साफ होनी चाहिए जो दिखाई है। अगर आप उस टॉपिक में कुछ भी मैप या कुछ भी फ्लो चार्ट बना सकते हो तो आप बिल्कुल बनाइए, और जो पढ़ाते वक्त ना
आपका पीठ मुझे लगता है कि बोर्ड मेंबर की तरफ नहीं होना चाहिए, आप बोर्ड के साथ एंगल के पे खड़े हो ताकि आप वो भी देखते रहें कि आप क्या लिख रहे हैं। और लिखते, एक बार मुझे याद है मैंने किसी इंटरव्यू में ऐसे बस लिखना शुरू किया, बोला नहीं शुरू, पीजीटी का इंटरव्यू था, नवोदय का पीजीटी, मैं अच्छा लिख जब खाली हुआ तो बीच में पीछे से आवाज आई, क्या बोलते भी रहिए। अच्छा हाँ, तो मुझे लगता है कि ये भी एक साइलेंट नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड पे गए और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट 5 मिनट का हो गया। आप अच्छा लिखते रहिए, बोलते भी रहिए, ये ध्यान देना चाहिए। मतलब ये है कि क्लास में ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि विद्यार्थी हुड़दंग करने लगें और बिल्कुल आप संभाल ना सकें, तो जी आप उनसे आई कांटेक्ट बना के रखें। जी दोस्तों, हमने एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लाया है जिसके पास नवोदय का, केवीएस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अभी वो प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और थोड़ा बहुत आप कोच्चि के बारे में बताइएगा, आप तो गॉड्स ऑन कंट्री कंट्री में हैं। हाँ, गॉड्स ऑन कंट्री सही है, और मेरे लिए शायद ये है भी कि हाँ मैं जब से आया, प्रयास तो काफी लंबे समय से रहा, और मुझे लगता है जो भी तैयारी करने वाला व्यक्ति होता है हाँ भूल तो बड़ा ही रहता है, हाँ और ये तो पड़ाव होते हैं जो हम बीच बीच में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा जो एक मन की इच्छा थी वो यहीं से पूरा हुआ, और मैं ईमानदारी से कहूं तो इसमें वो जो फिल्म है शाहरुख खान की, मैं ओम उसका शांति नाम, ओम, ओम हाँ, शांति। वो डायलॉग मैं अपनी सक्सेस के बाद, मैं आपको विवेक जी बताऊं तो मुझे रिकॉल, मतलब वो तुरंत आया कि जो चीज आप शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए प्रयास आप करें तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश करती है। तो मैं सच बताऊं, मैं हमेशा सोचता था मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैंने कई अच्छा इंटरव्यू दिए, दो हायर का दिया अपने यहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डायट लेक्चरर, केवीएस पीजीटी 2 बार इंटरव्यू दिया, नवोदय पीजीटी इंटरव्यू दिया, मिलता था पीजीटी 2 बार, यूपी स्टेट का पीजीटी दिया, नहीं हुआ। तो हाँ मैं सोचता था मैं एक, मतलब इसमें मेरा लक अच्छा नहीं, मेरा अच्छा नहीं, और मैं इस बार बताऊं, मैं इस बार लक से ही हुआ। अच्छा कैसे? जितना पढ़ाई हम पहले करते रहे, हाँ साइंस से मैंने कम पढ़ा, मैं प्री के रिजल्ट के बाद मेंस पढ़ना शुरू किया। मैं भाग्य की बात बताऊं, एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड था ये फरवरी में, पर पोस्टपोन होके चला गया अप्रैल, सोचिए। तो पहला हाँ भाग यहाँ मेरा रहा, तो हाँ मैंने वो जो प्री के रिजल्ट के 4 महीने रहे, मैंने उसी में मेंस पढ़ा, अच्छा और मेंस में मतलब जो इसको मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, एक दिन का लीव नहीं लिया है कि मैं पढ़ने के नाम पे लूं, मैं डायरेक्ट छुट्टी लेके घर गया, 3 दिन का मेंस एग्जाम दिया, फिर लौट के यहाँ अच्छा इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। कल मेरा इंटरव्यू है, आज रात में पहुंचा था, कल मॉर्निंग में जाके इंटरव्यू दिया, शादी वाला सूट पहन के, सूट भी नहीं अच्छा गया दिया, और ईश्वर की दया से सोच सकते हो कितना मतलब वास्ट हो सकता था, पर इतना इंटरव्यू सिंपल सामान्य रहा कि मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मतलब ये है कि जो आपको मिलना है वो तय है कि मिलेगा, आप बस आप प्रयासरत रहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराने लोगों ने कहा है, हाँ हमें सिर्फ जो हमारे हाथ में है उतना करना है, उसके बाद सब भगवान पे छोड़ देना है। और जगह की बात है कोची, तो ये मैंने बताया कि ये लकी रहा मेरे लिए, और अभी मुझे यहाँ से निकलने का अवसर। अगर सुंदरता की बात करें, एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते, तो सच आपने गंगा के किनारे शुरुआत की अपने जीवन की, पहाड़ों को देखा और अभी आप बिल्कुल समंदर के पास हैं, बिल्कुल। और कहीं ज्वालामुखी वगैरह के पास भी नौकरी मिल जाए तो ठीक ऐसा तो अब मिलना भी होगा तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी जाने के बाद अब बाहर के लिए प्रयास करना ही नहीं है, हाँ ठीक नहीं है तो फिर। अंडमान चांस तो रहता ही तो दोस्त बहुत सुंदर है, मुझे लगता है आना चाहिए लोगों को घूमने के लिए। दोस्तों आपको हर जगह जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमने काफी बड़ी चर्चा की, केवल इंटरव्यू को लेकर नहीं, जीवन के पक्षों को लेकर के, नौकरी के पक्षों को लेकर के, और सर ने अंतिम जो बात कही कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने में सारी कायनात एक हो जाती है, ये ओम शांति ओम का डायलॉग है। उसके पहले द अल्केमिस्ट बुक में पाउलो कोयलो ने इस बात को लिखा है, भैया मैंने इस बुक का रिव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि
चाहो तो सेंटियागो तुम्हें कुछ मिल सकता है, लेकिन चाहना पड़ेगा। सेंटियागो जो है अल्केमिस्ट, आप पढ़िए इंटरव्यू से पहले, आप पढ़ लेंगे तो आप आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। सेंटियागो जाता है खजाने की खोज में, और उसको खजाना उसके पास ही मिलता है। तो जाते जाते दो लाइन और गुनगुना दीजिए, फिर हम लोग इंटरव्यू की समाप्ति करें। दो लाइन, जो आप गाते हो, हाँ दो लाइन। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे मुझे सब छोड़ के जाना और ना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों को आपने न केवल मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी किया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से एक नगीने आपके सामने लाते रहेंगे और आपका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।